जनपद संभल के चंदौसी में आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए व्यापारियों ने जताई अच्छे दिनों की उम्मीद। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद अब त्योहारों का मौसम आने के बाद व्यापारियों ने अच्छे दिनों की आस जताई है। आपको बता दें कि जनपद संभल के चंदौसी में हमारे संवाददाता सरफराज अंसारी ने नगर के व्यापारियों से बात की और आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए उनसे उनके दिल की बात जानी। तो व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में अच्छा व्यापार होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा व्यापार तभी होगा जब आम लोगों के पास पैसा होगा, तभी वे लोग बाहर खरीदारी करने निकलेंगे। अभी तक न्यूज इंडिया के लिए सरफराज अंसारी की यह रिपोर्ट। जनपद संभल के चंदौसी में शिवहरी इलेक्ट्रॉनिक पर, और उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले बिजनेस की क्या स्थिति थी और इस समय क्या स्थिति है। हम बात करेंगे शिवहरी इलेक्ट्रॉनिक के मालिक से। जी सर, बताइए क्या स्थिति है। मैं देखो, अब जो पिछले लास्ट 6 महीने थे उसमें तो सर्वाइवल वाली पोजिशन ही नहीं थी। पिछले 6 महीने तो बहुत ख़राब गए हैं। हाँ, आने वाला सबको जो व्यापार है वो डिपेंड कर रहा है। हमारी ये फेस्टिव सीज़न अब जो शुरू हो रहा है, आज से जो बेसिकली शुरू हुआ है, और ये जो अब दिसंबर तक चलेगा, उस पीरियड में नवंबर दिवाली तक, तब तक कुछ हम सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इसमें हम लोगों का सर्वाइवल होगा। अभी तक तो सब अपनी पॉकेट से लोगों ने खर्चा किया है, क्योंकि लोगों के पास सर्वाइवल के लिए पैसा ही नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो वो हमारी जैसी चीज़ें कैसे खरीदेंगे। हमारी वाली चीज़ें खरीदने के लिए व्यक्ति तभी निकलता है जब उसके पहले पेट भरा हुआ और सारी जो उसकी जो ज़रूरतें हैं पूरी हो गई हों। यह जैसे कि पिछले लॉकडाउन से पहले जो बिजनेस की स्थिति थी और इस वक्त जो स्थिति है, या दिवाली पे आपको क्या उम्मीदें हैं व्यापार से? व्यापार से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन सभी चीज़ें खाली उम्मीदों पर डिपेंड नहीं करता। प्रैक्टिकली ये देखना जरूरी है कि पैसा कहाँ है। लिक्विड बाजार में तरलता है ही नहीं पैसे की। ये तो जब तक पैसे का रोटेशन नहीं होगा, मतलब जब तक बंदे के पास कमाई नहीं होगी, कमाई होगी तब वो अपने पहले ज़रूरतों को पूरा करके, बेसिक ज़रूरतों को पूरा करके तब वो बाज़ार में और कामों के लिए निकल गया। और इस समय तो मेरे हिसाब से सारे ही ट्रेड सफ़र कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक या दो ट्रेड को छोड़ के। ब्रेड एंड बटर का ट्रेड हो गया, या मेडिसिनल, जो कि जिसके लिए आदमी को सर्वाइवल और जीवित रहने के लिए चाहिए, उनको छोड़ के बाकी सभी तो चीज़ों में सभी सफ़र कर रहे हैं। आप चाहे कपड़े का ट्रेड ले लीजिए, चाहे आप एडिबल ऑयल का ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड ले लीजिए, आदमी अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कर्टेल ही कर रहा है, क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम हो गई है। लोगों के व्यापार ख़त्म हो गए, लोगों का जो जॉब ख़त्म हो गया, और अभी कोई होप नहीं लग रही है। तो जब तक मोमेंटम नहीं आएगा, जब तक लोगों को व्यापार नहीं मिलेगा, तब तक भाई आदमी कैसे, मतलब सैलरी, पेट के पास सैलरी नहीं है, छोटे लोगों के पास काम नहीं है, तो सभी लोग तो अपना ओन व्यापार नहीं करते हैं। सब कुछ लोग भाई जब सारे नौकरियों पर डिपेंड करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। अभी तक सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, अभी तक खतरा बराबर बना हुआ है भाई। कोविड का खतरा तो अभी भी बराबर ही बना हुआ है। अभी भी कहते हैं सेकेंड वेव आने वाली है, कहीं कहीं आ गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो अभी तो लोगों को उतनी ही सावधानी बरतनी होगी। तो दादा ये जब तक कि जब तक नॉर्मलसी पर नहीं आएगा, तब तक नहीं कहा जा सकता हम लोग कब तक इसको नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवल इलेक्ट्रॉनिक के मालिक। अभी हम बाज़ार में जाके और लोगों से जानेंगे कि बाज़ार का क्या हाल है। और हमारे साथ हैं मिस्टर पुनीत जी, आइए उनसे जानते हैं व्यापार का हाल। व्यापार के हाल बड़े भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यापार इस समय इकोनॉमिकली डिस्टर्ब, जो आज की डेट में पैसे का क्राइसिस बना हुआ है, उसकी वजह से व्यापार तो सारे ही डिस्टर्ब हुए पड़े। बड़े बड़े अच्छे फैक्ट्रियों में लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, और बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मार्केट में इस समय पैसा ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि पैसा ना होना। जिन लोगों की जॉब छूट गई है, जिन लोगों के काम नहीं रहे हैं या काम हल्के हैं, तो उसकी वजह से हर बिजनेस में इफेक्ट आएंगे। जैसे कि हर साल दीपावली पे आप लोग जो बिज़नेस करते थे, इस साल आपको धनतेरस और दीपावली से क्या उम्मीदें हैं? देखो, उम्मीदें बहुत हैं कि व्यापार अच्छा चले, और उसके लिए हम लोग कोशिशें भी कर रहे हैं कि कोई अच्छी स्कीम या कोई अच्छे ड्रॉ वगैरह या कोई अच्छे, मतलब कस्टमर के लिए। कमाते तो हम लोग साल भर हैं, पर एक कस्टमर को अच्छी चीज़ कुछ साथ में मिले, एक अच्छी सर्विस मिले, एक अच्छी क्वालिटी मिले, उसके व्याप पे हम लोग चाह रहे हैं कि, मतलब देख रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति है वो तो देखो त्यौहार आने पे क्लियर हो पाएगा कि कैसे कस्टमर के पास पैसा है या नहीं है, और वो किस तरीके से शॉपिंग करते हैं। पहले तो आदमी अपने घर के घरेलू खर्चे जो होते हैं, जिसमें खान पान, ओढ़ना, रहना सहना, फिर उसके बाद आदमी ये इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, इसको बाद में आदमी आके देखता है। जैसा कि भी हमारे भाई पुनीत जी ने बताया कि सबसे पहले आदमी को खाने की चीज़ों की व्यवस्था करनी है, बाद में मनोरंजन का साधन का इंतज़ाम करना है। लेकिन इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं दीपावली के त्यौहार से, कि लॉकडाउन की मार से हमें शायद अब निजात मिल जाएगी।